हे hey दोस्तों, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। ये जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए है जो वेस्ट बंगाल से हैं या वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर राउंड टू का जो शेड्यूल है वह आ चुका है। इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस में क्या डेट है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, wbmcc.nic.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस के नीचे राउंड टू का शेड्यूल मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो सबसे पहले पब्लिकेशन ऑफ वैकेंट सीट ऑफर राउंड वन, यानी राउंड वन के बाद जितनी भी सीट वैकेंट हुई है उसका पब्लिकेशन हुआ है और जो ये वेबसाइट पर आ चुका है, आप वेबसाइट पर क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है ऑनलाइन इनरोलमेंट ऑफ फीस पेमेंट फॉर काउंसलिंग, यानी जिन स्टूडेंट ने पेमेंट नहीं किया है, जो राउंड वन में पेमेंट नहीं किए थे, उन सभी को पेमेंट कर देना है। तो उसके डेट यहाँ पर दिया गया है 2 अगस्त से 3 अगस्त तक। फिर उसके बाद होगा वेरिफिकेशन, जो 2 सेंटर पर होगा, RGKAR कोलकाता और IPGMER कोलकाता। वेरिफिकेशन का जो समय है 3 अगस्त और 4 अगस्त के बीच है। उसके बाद जो है पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर राउंड टू, यानी जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं राउंड टू के लिए उनका पब्लिश होगा नाम, वह जो होगा 6 अगस्त को होगा। उसके बाद राउंड टू का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर आपको करना होगा, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दिया जाएगा उससे। तो यह जो है वो 6 अगस्त से 9 अगस्त तक होगा। फिर राउंड टू में जो फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में। फिर उसके नीचे आती है एडिशन ऑफ रिटर्न वैकेंट सीट फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा, यानी ऑल इंडिया कोटा के बाद जो वैकेंट सीट आई है उसमें एडिशन होगा, वह जो है 9 अगस्त तक हो जाएगा। उसके बाद आपको चॉइस लॉकिन करना है फ्रेशर फिलिंग चॉइस के लिए 9 अगस्त को। उसके बाद राउंड टू का रिजल्ट जो है वह पब्लिश होगा, उसका रिजल्ट जो आएगा 10 अगस्त 2018 आफ्टर 6 PM। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना है 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच। तो ये जो राउंड टू का शेड्यूल दिया गया है वो वेबसाइट मैंने आपको बताई है wbmcc.nic.in। तो उस पर जाकर आपको जो है सब डिटेल मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके साथ वो भी अपडेट रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।